हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी करियर गाइडेंस की इस न्यू सीरीज में, जहां हम बात करने वाले हैं वेब डिजाइनिंग के बारे में। आज कोई भी बिजनेस के पास एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड वेबसाइट होना बहुत जरूरी है, और वेबसाइट बनाने के लिए एक वेब डिजाइनर की आवश्यकता है। इसी वजह से आज और आने वाले कल में वेब डिजाइनर के लिए बहुत स्कोप है। आज पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर भी वेब डिजाइनिंग में उतनी ही डिमांड है। ऐसे बेस्ट बिल्ड वेब डिजाइनिंग के बारे में और जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर दोस्तों आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेब डिजाइनर कौन बन सकता है, उनकी तनख्वाह क्या होती है, कितने तक कमा सकते हैं, जॉब कहाँ मिल सकती है, मार्केट डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है, वेब डिजाइनिंग क्या है, कौन सी स्किल चाहिए एक अच्छा वेब डिजाइनर बनने के लिए, और आखिर में देखेंगे कहाँ पे कर सकते हो आप वेब डिजाइनिंग जैसे कोर्सेज। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वेब डिजाइनिंग में कौन आगे बढ़ सकता है। 10वीं या 12वीं पास कोई भी स्टूडेंट, कोई भी ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट। आजकल कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका ग्रेजुएशन खत्म हो गया है, लेकिन वो लोग उस फील्ड में काम ही नहीं करना चाहते और किसी नई फील्ड की तलाश में। दोस्तों वैसे लोगों के लिए वेब डिजाइनिंग किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को डिजिटली आगे बढ़ाने के लिए सीखना चाहते हैं तो भी, और अगर आप उसी के साथ साथ पार्ट टाइम कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं तो भी। एक हाउसवाइफ के लिए तो ये फील्ड सबसे बेस्ट है। आप चाहे कोई भी बैकग्राउंड से हो, अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छे वेब डिजाइनर बनना चाहते हो तो आप बेशक बन सकते हैं। सबसे ज्यादा 10वीं या फिर 12वीं वाले किसी भी बच्चे के लिए ये एक बेस्ट करियर ऑप्शन है। कोई भी वेबसाइट एक डिजाइन और कोड का कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें डिजाइन वो है जो हम सामने से देखते हैं और कोड वो जो वेबसाइट के पीछे रन होता है, जिसकी वजह से वेबसाइट चलती है। चलो एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। यहां पे आपको जो डिजाइन दिख रही है वो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एक्सडी जैसे सॉफ्टवेयर में एक डिजाइनर ने तैयार की है। आप यहां पे जितनी भी चीजें देख रहे हो, जैसे कि वेबसाइट का कलर, उनके फॉन्ट, उनके बीच, जगह, वो सभी चीजें एक वेब डिजाइनर ही तैयार करता है। और उसके बाद बारी आती है कोडिंग की, जो डिजाइन की हुई वेबसाइट को HTML, HTML5, CSS का यूज करके पेज को काम करने के लायक बनाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पे एक बटन दिखाया गया है जिसको प्रेस करने की इफेक्ट एक कोडिंग वाला बंदा ही दे सकता है। अब जानते हैं कि वेब डिजाइनर बनने के लिए कौन सी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। एक वेब डिजाइनर बनने के लिए ड्रॉइंग स्किल, कलर सेंस, टाइपोग्राफी, क्रिएटिविटी, कंप्यूटर स्किल्स और सॉफ्टवेयर स्किल्स जैसे कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, XD जैसे सॉफ्टवेयर आना जरूरी है। और अगर हम कोडिंग लैंग्वेज की बात करें तो HTML, HTML5, CSS, CSS3, SAS, SASless, मीडिया क्वेरी, बूटस्ट्रैप, jQuery, JavaScript, AngularJS, SEO, WordPress, FTP, होस्टिंग जैसे कोडिंग लैंग्वेज आना जरूरी है। दोस्तों इतनी सारी कोडिंग लैंग्वेज सुनके घबराना मत, ये सब सीखने में काफी आसान है अगर आप एक बढ़िया इंस्टीट्यूट और बेस्ट ट्यूटर से ये सब चीजें सीख रहे हो, जिसके बारे में इस वीडियो के अंत में मैं जरूर आपको बताऊंगा। वेब डिजाइनिंग सीखने में वक्त कितना लगता है? वेब डिजाइनिंग कोर्स इज द शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल जॉब ओरिएंटेड कोर्स, जहां दो चीजें हैं। पहला वेब फ्रंट एंड डिजाइनिंग, जिसको सीखने के लिए 5 से 6 महीनों का वक्त लगता है, और दूसरा है वेब फ्रंट एंड कोडिंग, जिसको सीखने के लिए 6 महीने जितना वक्त लगता है। टोटल टाइम ड्यूरेशन 12 महीने यानी कि 1 साल तक लग सकता है। एक अच्छी जॉब के लिए किसी भी वेब डिजाइनर को एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल सर्टिफाइड हो और दुनिया के कोई भी कोने में वैलिड हो, क्योंकि अब वो वक्त दूर नहीं है जब हम भी दूसरे देशों में जाकर काम करेंगे। एक वेब डिजाइनर को जॉब कहाँ पे मिल सकती है? कोई भी अच्छी IT कंपनी में, वेब डिजाइनिंग कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट या फिर डिजाइनर के बताओ, सॉफ्टवेयर कंपनी, ई कॉमर्स बिजनेस फर्म, एजुकेशन सेक्टर और MNC कंपनीज में भी एक अच्छे से वेब डिजाइनर के लिए जगह हो सकती है, जहाँ ज्यादातर वेब डिजाइनर अपनी 9 से 6 की जॉब के खत्म होने के बाद घर पे जाकर फ्रीलांसिंग जैसा वर्क करके अपनी ऑफिस की सैलरी से भी ज्यादा कई बार कमा लेते हैं, और कई लोग अपनी खुद की कंपनी भी खड़ी करने के काबिल बन जाते हैं। दोस्तों फील्ड चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन हर बात वहीं पे आकर रुकती है कि तनख्वाह कितनी मिलेगी। इंडिड, जो दुनिया का सबसे बड़ा जॉब पोर्टल है, उसके एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में एक वेब डिजाइनर की तनख्वाह 15,000 से लेकर 18,000 स्टार्टिंग मिलती है, जहां पे ज्यादातर कंपनी अपने एम्प्लॉय की पहली सैलरी 3 महीने में, दूसरी 6 महीने में, फिर सालाना बढ़ोतरी मिलती है। ज्यादातर वेब डिजाइनर सिर्फ 2 साल में सालाना 3 से 3.5 लाख तक पहुंच जाते हैं, जहां जॉब टाइम भी बहुत ही प्रोफेशनल है, जो सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक का है। अब सवाल ये उठता है कि वेब डिजाइनिंग जैसे बेस्ट कोर्स के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है? दोस्तों पूरे गुजरात में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन उन सभी में सबसे बेस्ट है रेड एंड व्हाइट मल्टीमीडिया एजुकेशन, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट पिछले 12 सालों से 18,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ा चुकी है, और इसी के साथ साथ अवार्ड विनिंग इंस्टीट्यूट भी है, जिसे बहुत सारे नेशनल लेवल अवार्ड भी मिल चुके हैं। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है
है कि जहाँ इंडिया में ज्यादातर थ्योरी पे ही फोकस किया जाता है, जहाँ स्टूडेंट ज्यादातर बोर ही होते हैं, वहीं रेड एंड व्हाइट में सब चीजें प्रैक्टिकल और कंपनी ओरिएंटेड फोकस है और 100% प्रैक्टिकल ही पढ़ाया जाता है। और तो और आने वाले 5 सालों तक हर एक स्टूडेंट को जॉब का सपोर्ट भी दिया जाता है। ये थी कुछ ऐसी बातें जो अगर आप एक वेब डिजाइनर बनना चाहते हो तो आपको बहुत काम आ सकती है। ऐसे ही करियर से जुड़ी और बातें जानने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।